हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है उर्वशीज़ किचन में। आज मैं आपके पास पेश करने जा रही हूँ राइस की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिए है 2 टमाटर जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च, 2 एक प्याज और उसको भी बारीक काट लिया है। तो ये सब बारीक काटने के बाद मैंने और लिया है पुदीना 2 चम्मच, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और इसके अलावा मैंने लिया है हरा धनिया, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच चने की दाल, खड़े मसाले और काजू। और ये बॉइल्ड राइस है जिसको मैंने नमक डाल के बॉईल करके रखा हुआ है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो ये एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई गैस ऑन करके मैंने 1.5 चम्मच इतना तेल लिया है। और तेल के साथ साथ हम थोड़ा सा घी भी डालेंगे, तो 2 छोटी चम्मच जितना मैं घी लेने वाली हूँ। दोनों गरम होते ही हम इसमें डालेंगे जीरा। तो ये कढ़ाई जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम जीरा डालेंगे, और जीरा तड़कते ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। और दोनों को तड़कने के बाद हम डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 4 काली मिर्च। और इसके बाद हम तेज पत्ता डालेंगे। तेज पत्ता डालने के बाद हम जो उड़द की दाल और चने की दाल ली थी वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो इसको अब हम सौते करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए सौते करना है। इसके बाद हम डालेंगे प्याज। जो प्याज है उसको हम मिक्स कर देंगे और इसको हम गुलाबी होने तक सौते करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च जो ली थी वो डाल देंगे, और अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। टमाटर डालने के बाद हम थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। जब हमने राइस बॉईल किया था तो नमक डाला हुआ ही था, तो इसीलिए आप इसमें माप से नमक डालिएगा ताकि ज़्यादा खारा ना हो जाए। अब हम इसमें काजू डाल देंगे। काजू डालने से इसका रिचनेस बढ़ जाएगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और अब हम इसमें मसाले कर देंगे, जिसमें हल्दी थोड़ा सा और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा धनिया जीरा का पाउडर 1 चम्मच, और सब कुछ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पुदीना के पत्ते, और ये सब कुछ सीख गया है। तो अब हम इसमें राइस डाल देंगे। तो ये मैं राइस डाल रही हूँ। एक बाउल के करीब हमें राइस लेना है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको सर्विंग प्लेट में ले सकते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये मिक्स होकर रेडी है। तो अब हम इसको सर्विंग प्लेट में ले लेंगे और दही के साथ सर्व करेंगे। इसको हम पुदीना के पत्ते, धनिया और कड़ी पत्ता के साथ गार्निश करेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया नाश्ता रेडी है। आप भी ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।